नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन डेयरी फार्म पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुँच सके। तो ये देखिए, जो आज की वीडियो लेके आए हैं तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो देख सकते हो जो गोधन है साथ में और जो एक मुरा नस्ल की भैंस भाई जी के घर पर रखी हुई है, तो दो गोधन और एक साथ में जो बैल आप देख सकते हो, काफ़ी जो सभी के सभी पशुधन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भाई जी अपने घर पे रखे हुए हैं। तो देख पाओगे काफ़ी जो मीडियम साइज की भैंस है बिल्कुल अडर काफ़ी अच्छा है जो टीका, तो देख पाओगे देखिए जो अडर है बिल्कुल जो सिले अडर की देख सकते हो, देखिए अडर काफ़ी अच्छा है बिल्कुल, कोई अडर टूटा हुआ या टेढ़ापन नहीं है, बिल्कुल जो सिले अडर की है। तो पीठ पुठाई क्वालिटी भी आप देख सकते हो, तो एक एक डिटेल है वो भाई साहब से लेंगे। तो आइए भाई जी, राम राम जी। राम राम। तो भाई जी सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस कन्फर्म कराए। नाम अनूप जी, ऊंची आवाज में बोलो भाई जी। नाम अनूप, गांव दनोरी, जिला जींद। तो ये देखिए जो दनोरी गांव से आज वीडियो लेके आए हैं, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ जी। 962-1668। तो जो अपनी ये जो टी कौन से ब्याह थी जी? दूसरा जी, अब की बार दूसरे ब्याह हुए। तो पहले ब्याह में आप बता रहे थे कि थोड़ा लेट भी आई थी पूरी पैक का, यानी तो ये देखिए जो पहले ब्यांत में जिस समय भी आई थी, तो बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आम पशुपालक से हम उम्मीद भी करते हैं कि जो बिल्कुल सच्चाई और विश्वास पे खरा उतरेगा। तो पहले ब्यांत में अपने घर पे दी है, अपने घर की है। तो इसने पहले ब्यांत में अपने घर पर कितना दूध निकालिया था जी? 16+ पहले ब्यांत में। तो अब की बार क्या उम्मीद करोगे? अब की बार तो 20 के आसपास दाने, 20 के आसपास की उम्मीद है। तो अब की बार प्रेग्नेंट की स्कूल से कराई हुई है यदि सरकारी अस्पताल में, सीमन नंबर याद है कुछ? तो देखिए जो मैंने बताया है कि जो बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से वीडियो शूट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे या मुर्गा का पशुधन है। तो ये देख सकते हो बिल्कुल घर की पाली हुई जो टी है, बिल्कुल साइज है वो छोटा जरूर है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देख पाओगे पीठ पूठा काफ़ी शानदार है, बिल्कुल खड़ी पीठ है, बिल्कुल पतली चमड़िया आर्डर देखिए, बिल्कुल जोशी लेडर की है ये आप देख सकते हो, काफ़ी जोशी लेडर की है, खुल के चलेगी। तो आर्डर देख पाओगे, एक बार खोलना जी, ये देखिए खुलकर चलेगी तो आप आर्डर देख पाओगे। देखिए काफ़ी अच्छा आर्डर बनाया हुआ है जोशीला, तो ये देखिए आर्डर की क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आर्डर निकाल दिया इसने जो नुमाले। ये देखिए आर्डर बिल्कुल जोशी लेडर की है, कोई अडर में ढीलापन या अडर टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि भाई जी ने बताया कि पहले ब्यांत में जो लेट यानी उम्र के हिसाब से दो दांत चार दांत नहीं भी आई है मेरे हिसाब से, तो पहले ब्यांत में जो पूरे दांत भरने के बाद भी आई होगी। तो उसी हिसाब से जो टी आप देख सकते हो थोड़ी ही यानी अपने नॉर्मल भाषा में बोले तो पैक के भी आई थी उस हिसाब से। तो कितने दिन ब्याने के बाकी है अभी इसके? ब्याने के लिए एक हफ्ता रह गया। एक हफ्ता रह गया, तो इसे रखना है या सेल करना है जी? कर देंगे जी, सेल कर देंगे। सेल करना है, तो सेल का विचार है अभी भाई जी? तो इसका रेट का क्या है? रेट तो जी बहन पक्ष है अलग होगा, पर ज्ञापन का तो अलग होगा, यानी कोई भी अगर रेट के लिए आपसे संपर्क कर सकता है? कर सकता है। तो ये देखिए रेट है जो भाई जी ने बताया कि मौके पे करेंगे, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो भैंस है, बिल्कुल ठंडे शांत स्वभाव की जी, और अपने घर की है। तो कितने महीने से ड्राई पीरियड में छोटी थी, यानी दूध से कितने महीने से छोटी थी? ढाई महीने तक। तो जिस समय दूध से छोटी थी तो कितने किलो दूध से ड्राई करी थी? 8 किलो जी। 8 किलो दूध से ड्राई करी थी। तो ये देखिए जो काफ़ी अच्छी है ऑर्डर, काफ़ी अच्छा है बिल्कुल, जो दुधारू भैंस है आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे साइज की है। तो गोधन भी बिक्री के लिए अगर कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई जी से संपर्क कर सकता है। ये देखिए आर्डर बिल्कुल अच्छा है, थनों में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मुठिया कार के हैं, देख थन आप देख सकते हो, चुआई चुई की बिल्कुल खोली है जी। ये देखिए जो बिल्कुल खोली बताई है चुआई, और तो एक जो ये गोधन आप देख सकते हो प्योर साहिवाल के करेक्टर में आप देख सकते हो। ये देखिए आर्डर काफ़ी अच्छा है गाय का, काफ़ी अच्छी है। तो इसकी क्या डिटेल है जी? यह भी अच्छी है जी। कौन से ब्यांत में ब्याई हुई है अभी? चौथा ब्यांत की ब्याई हुई है अभी की बार, चौथे ब्यांत में है। तो दूध का क्या रिकॉर्ड रही है इसका? दूध का जी 20+ कह देते हैं, 20+ निकल दिया।
तो इसकी जो वो एक बछड़ी वो है गिर नस्ल की, गिर नस्ल की बछड़ी है, साहिवाल का बाछा है। तो ये देखिए जो इसी गाय की देख सकते हो पिछले ब्यांथ की जो गिर नस्ल की ये बछड़ी आई हुई है देख सकते हो, जो साहिवाल पे गिर का सीमन से ये बछड़ी आई है, और जो इसी पे अब की बार साहिवाल का सीमन से रखवाया था जी। कौन से बुल का सीमन है यानी साहिवाल का उसका सीमन नंबर का नहीं पता आपको? सीमन नंबर का नहीं पता, सरकार ने अस्पताल में दिखवाया। तो ये देखिए जो सीमन का याद नहीं है बिल्कुल, आप देख सकते हो बछड़ा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए गड़कंबल काफ़ी अच्छा है बछड़े का आप देख सकते हो, और जिन नीचे से भी नाभी की है और अंप भी काफ़ी अच्छा निकालेगा। बछड़ा की कितनी एज हो चुकी है जी? बछड़े की एज कितनी हो चुकी है? ढाई महीने के करीब हो गया। तो ये देखिए जो ढाई तीन महीने के करीब काफ़ी केयर ज़्यादा की हुई है, तो आप देख सकते हो अगर कोई भी लेने का इच्छुक है तो भाई जी से पूछेंगे। तो बछड़े का क्या विचार है जी? बछड़ा दे देंगे जी, को गाम वास्ता लेवा है, जी को गौशाला में लेवा है बछड़ा दे देंगे। यानी कोई अगर नंदी बनाने के लिए लेवा तो नंदी बनाने के लिए। तो ये देखिए जो पशुधन था भाई जी ने काफ़ी अच्छा अपने घर पर रखा है, और जो भैंस है वो बिक्री के लिए आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी भैंस है। तो भाई जी अगर कोई लेने का इच्छुक है तो भाई जी से संपर्क कर सकता है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताएं भाई साहब, अगर कोई लेने का इच्छुक है तो भैंस आपसे संपर्क कर सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताएं। 9962। हाँ जी 16668। तो ये देखिए जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने नीचे 7 की 7 में डाल दिया, अगर कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई जी से संपर्क कर सकता है। वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।